नाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों को वो विधान और वो मंत्र दूंगा जो मैं काफ़ी कई दिनों से टाल रहा था, वो है शराब छुड़ाने का मंत्र। ये विधान टल इसलिए रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये गैर ज़रूरी है, ये मास के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधान नहीं होगा। लेकिन अभी अभी एक ऐसा वाक्या हुआ मेरे आसपास कि मैं ये विधान आप लोगों को दे रहा हूँ। एक छोटे से बच्चे का, 10 साल के बच्चे का फ़ोन आया। एक मेरे सहकर्मी थे जब मैं पत्रकारिता में था, वो साथ काम करते थे, तो उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी से बात हुई है क्या, पिताजी अभी 4-5 दिन से घर नहीं आए हैं। तो मैंने उनको बोला तो आप मुझे फ़ोन कर रहे हो, पहले पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? उन्होंने बोला नहीं किया, पिताजी पहले भी ऐसा ही करते थे, वो घर से चले जाते थे, उसके 5-7 दिन बाद लौटते थे। अभी घर में दादी का देहांत हो गया है तो उनको आना आवश्यक है। तो मैंने बोला मुझे पता नहीं, आप पुलिस में पता करो। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि वो मेरे सहकर्मी जो थे उनके मृत्यु हो गई थी, और जिस दिन वो घर से निकले थे उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, और करीब 7 दिन से उसका शरीर जो है वो मॉर्चरी में पड़ा हुआ था अनक्लेम्ड लाशों के साथ। और उनके पुत्र ने बताया कि जो मैं जानता था कि अंतिम बार कि उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद वो शराब पीना उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन उनके परिवार वालों ने फिर बताया कि नहीं, वो आने जाने का फेज था, मतलब शराब पीते थे छोड़ते थे, और अब तो वो जो छोटा पाउच वाला शराब होता वो भी पीने लगे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे आत्मग्लानि हुई कि ऐसे कई परिवार हैं जो नशे के एक्सट्रीम से परेशान हैं। देखो, नशा सबके जीवन में कोई ना कोई होता है, कुछ ना कुछ नशा लोग करते हैं, वो खाने के तौर पे करें, सोचने के तौर पे करें, या कोई काम करें। नशा तब तक नशा है जब तक आप कर रहे हो, और जब नशा आपको करने लगे तो फिर आप कहीं ना कहीं अंत के तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी भी चीज़ का अति ज़रूर जो होता है वो खराब होता है। तो देखो, इसको छुड़ाने का 2 विधान है। पहला टोटका है। क्या टोटका है? जो दीपावली के पहले जो चौदस होती है, काली चौदस की रात्रि में, ठीक है, ऊन ले ले, ठीक, और उस ऊन से जो भी शराबी व्यक्ति है उसके राइट अंगूठे पैर का जो है उसमें उसको बांधे, और उसके लेफ्ट कंधे तक डायगनली लेके जाएं उस ऊन को, और ऐसा आप 7 बार करें, ठीक है। मतलब तो पहली बार अंगूठे से आपका जो ऊन है वो कंधे तक आया, कंधे से फिर अंगूठे तक गया, ऐसा 7 बार आप करेंगे, और जितना वो ऊन नाप में आएगा वहाँ पे तोड़ के रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति का कोई एक वस्त्र ले लेंगे जो कि उसने पहन रखा हो, ठीक है, और एक शराब की छोटी बोतल लेंगे, बड़ी बोतल वो आप पे है, और इस व्यक्ति को लेटा करके इसके चारों तरफ से उतारा की तरह 7 बार उसको घुमाएंगे। उस बोतल को फिर कपड़े में बांधकर, और फिर उस कपड़े के ऊपर से ये जो 7 बार हमने लंबाई नापा था वो रस्सी को फिर से पुनः बांधेंगे, ठीक है। इस बोतल को जा करके आपको किसी सुनसान जगह में गाड़ देना है, ठीक है। तो ये एक टोटका है जो माना जाता है काली चौदस के दिन करने से जो शराबी हैं वो शराब छोड़ देते हैं, या उनका धीरे धीरे जो शराब का लत है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है तंत्रोत्तर विधि में। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कई बार जो शराबी जो अति शराब पीते हैं उसके पीछे किसी ना किसी तरीके की शक्तियाँ जुड़ी होती हैं, तो वैसी शक्तियों को निकालने के लिए ये एक टोटका है। इसके बाद दूसरा जो मंत्र विधान है वो नाथों का विधान है। इस विधान में आपको एक वस्तु की आवश्यकता होगी, और वो वस्तु है भांग का जड़, ठीक है, और एक आपको पत्थर का जो पीसने वाला होता है सिलवट, जिसमें वैद्य लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पीसते हैं, आपको उस भांग के जड़ को धीरे धीरे करके कूटना है, ठीक है, और साथ में मंत्र का जाप करते जाना है। ये मंत्र का जाप आप जो है 108 बार करेंगे।
मंत्र है, थोड़ा लंबा मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। महाशिव की जड़ी बताई, परमेश्वर से सिद्ध कराई, सत्य की प्रथा विभिन्न बताई, महाशिव की भांग की जड़ बताई, शराब जो पिए भांग की आन लगाई, शिव धर्म का नाम देवलोक में गाई, शिव की आन लगाकर पृथ्वी पर आई, भांग घिसी पत्थर पर शिव की आन लगाई, शराबी पिए भांग की जड़ पत्थर पर घिस आई, यह लोक बड़ा अंधा बात शिवलोक में गई, जय जय शिव गोसाई। ठीक है, ये मंत्र आपको एक बार करके वो जो भी मिश्रण है उसको तैयार कर लेना है, और रोज 21 बार अभिमंत्रित करके, और जो व्यक्ति शराब पीता है उसको ये जड़ थोड़ा थोड़ा देना चाहिए सेवन करने। 21 दिन तक आप ऐसा अगर दे देते हैं तो जो भी शराबी है उसका शराब छूट जाएगा। अगर जो शराबी है वो खुद शराब छोड़ना चाह रहा है तो वो इस मंत्र का जाप करे रोज, और अगर वो नहीं तैयार है तो कोई भी परिवार का जो सदस्य है जो इस मंत्र का जाप कर सकता है वो जाप करके चुपचाप उसके भोजन में या किसी चीज़ में इसको मिलाकर खिला दे तो भी उसका शराब छूट जाएगा। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, महाशिव की जड़ी बताई, परमेश्वर से सिद्ध कराई, सत्य की प्रथा विभिन्न बताई, महाशिव की भांग की जड़ बताई, शराब जो पिए भांग की आन लगाई, शिव धर्म का नाम देवलोक में गाई, शिव की आन लगाकर पृथ्वी पर आई, भांग घिसी पत्थर पर शिव की आन लगाई, शराबी पिए भांग की जड़ पत्थर पर घिसाई, यह लोक बड़ा अंधा बात शिवलोक में गाई, जय जय शिव गोसाई। ठीक है, ऐसे तो तांत्रोक्तर विधि में अगर कोई सदा हुआ तांत्रिक करे तो और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं शराब छुड़ाने के लिए, लेकिन आप अपने घर में बैठ करके बिना किसी तांत्रिक के पास जाए हुए अगर किसी के शराब को छुड़ाना चाहते हैं, किसी को इस नशा से मुक्त कराना चाहते हैं, तो ये दोनों विधान करें, आप लोगों को बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का शुरुआती आयाम सीखना है, जो बेसिक साधना सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585, शुल्क है 2100 रुपये। इसके अलावा जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है और मेरा लेख पढ़ना है, वो www.अघोरतंत्रहस्य पर जा सकते हैं। वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। डायरेक्ट फ़ोन करने के लिए कॉलमी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिए तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। माँ भगवती आप सभी के परिवार को सकुशल रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।